आज की ये वीडियो पशुपालकों व दूध विक्रेता के लिए बहुत ही खास होने वाली है। जहां एक ओर पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से लॉकडाउन में है और अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप सी है, लोगों को रोजी रोजगार छोड़कर घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है, वहीं आज पशुपालक एक सिपाही की तरीके संक्रमण से जंग लड़ते हुए सबकी दूध की जरूरतों को पूरा कर रहा है। ये लॉकडाउन तक या लॉकडाउन खुलने के बाद भी पशुपालकों को क्या क्या करना चाहिए, इसी पर ये वीडियो आधारित है। क्योंकि जब तक पूरी तरह संक्रमण पर विजय नहीं मिल जाती है, तब तक हर पशुपालक दुग्ध विक्रेता को अतिरिक्त सजग रहने की आवश्यकता है। मित्रों, आप देख रहे हैं पशु पक्षी चैनल और मैं अनिल मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सोशल मीडिया पर हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, और अगर इंस्टाग्राम पर हैं तो हमें फॉलो कर लें। आईडी नीचे दिख रही है, यही आईडी है। पशुओं के फार्म में आगंतुकों की आवाजाही पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाना और संक्रमण सुरक्षा के सारे उपायों का भरपूर प्रयास करना है। मित्रों, आपको पशु शेड के परिचारकों की स्वास्थ्य के खतरे में डाले बिना कम श्रमिकों के साथ काम को कराएं। मित्रों, डेयरी फार्म में आने वाले श्रमिकों को मास्क पहनना जरूरी करें और दैनिक आधार पर उनके स्वास्थ्य पर नजर रखें। आपको मेरी सलाह है कि पशु शेड की सफाई, चारा काटना व और चारा वितरित करना और दुधारू पशुओं को दूध निकालना आदि कार्य को अंजाम देने वाले कार्यकर्ता को सामाजिक दूरी का पूर्ण पालन कराएं। तो यदि कोई भी कार्यकर्ता बीमार हो जाता है तो उसे रोग फैलाने की किसी भी संभावना से बचने के लिए मानक के अनुसार स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए उचित उपाय जरूर करें। जहां तक संभव हो डेयरी फार्म के प्रवेश द्वार पर साबुन, पानी की बाल्टी और हैंड सैनिटाइजर रखें और पशुधन फार्म में सभी मानव संसाधनों को निर्देश दें कि साबुन से 2 घंटे के अंतराल पर नियमित रूप से हाथ को साफ करवाते रहें और सैनिटाइज भी करवाएं, और पशु फार्म में काम आने वाले उपकरणों और सामानों को नियमित रूप से साफ करवाते रहें। मित्रों, श्रमिकों को घड़ी, गहने आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए और मोबाइल फोन के उपयोग से भी बचना चाहिए। यदि उपयोग किया जाता है तो फोन को स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखना होगा। डेयरी फार्म को 1% हाइपोक्लोराइट घोल से दिन में 2 बार रोजाना साफ कराना चाहिए। मित्रों, जहां तक संभव हो पशु स्वास्थ्य और अन्य विभिन्न गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे का उपयोग आप ले सकते हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लॉकडाउन अवधि का प्रबंधन करने के लिए फार्म के प्रबंधकों को पर्याप्त चारा और संभावित पर्याप्त दवाई जरूर रख लेनी चाहिए। मित्रों, अगर पशुओं की खरीद बिक्री अत्यधिक आवश्यक हो तो ई ट्रेडिंग के माध्यम से प्रबंधित करें। पशुओं की खरीद के मामले में जानवरों को मौजूदा झुंड में शामिल होने से पहले 3 सप्ताह की अवधि के लिए अलग ही रखें, इससे आपका पशु सुरक्षित रहेगा। पशु को स्वस्थ और उत्पादक रखने के लिए चारा, आवास जो स्वच्छ, सूखा और अच्छी तरह हवादार हो, पानी और सामान्य स्वच्छता से संबंधित अच्छे प्रबंधन का पालन करें। अच्छे प्रबंधन कुशल बनाने के लिए कोई भी मोबाइल ऐप को इंस्टॉल भी कर सकते हैं, सारी कार्यवाही पर आप निगाह रख सकते हैं। किसी भी सामान्य व्यवहार, आसन, फीड, सेवन, आफरा, शौच और पेशाब के लिए जानवरों को रोजाना 2 बार सुबह और दोपहर, और यदि आवश्यक हो तो पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर उपचार करें। मित्रों, बीमार पशुओं को अलग करें और आपातकालीन स्थिति में नजदीकी पशु चिकित्सा अस्पताल से संपर्क करें और अपने पशु चिकित्सक के परामर्श से पैर और मुंह के रोग FMD और हेमरेजिक सेप्टिसीमिया यानी HS यानी गला घोटू का पशुओं में टीकाकरण जरूर करवा लें। गर्भित जानवरों को छोड़ करके अपने पशु चिकित्सक के परामर्श से बाहरी और आंतरिक परजीवी के लिए सभी जानवरों को कीड़े मारने वाली दवाई जरूर दे दें। मित्रों, गर्मी से तनाव से बचने के लिए और इसे हटाने से पशु की जांच करने के लिए पशु को उचित पानी के सेवन की निगरानी
की जानी चाहिए। पशु को कम से कम दिन में 4 बार पानी जरूर आप दिखाते रहें। खराब मौसम में अगर पशु बाहर है तो तुरंत छत के नीचे रख लें, अन्यथा पानी और ओला से भीग कर और चोटिल हो जाएंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी घट जाएगी और पशुओं के लिए इलाज की एक संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मित्रों, अब दूध विक्रेताओं को कोरोना से बचने के उपाय जरूर करने चाहिए। कुछ उपाय मैं बता रहा हूं, उसको आप जरूर आप देखते रहें। दूध बेचने के दौरान मिल्क हैंडलर को दस्ताने पहनने के साथ साथ मास्क भी पहनना जरूरी है। मित्रों, एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक को दूध की आपूर्ति करते समय हैंड सैनिटाइजर का भी उपयोग बहुत जरूरी है। एकत्र किए गए दूध को तुरंत साफ कपड़े से छानकर और ठंडे क्षेत्रों में ढककर रखना बहुत जरूरी है, ता नहीं तो दूध खराब हो जाएगा। भाई, यह दूध खुलता स्थिति में बेचा जाना है तो इसे जल्द से जल्द उपभोक्ता खुदरा बाजार में ढके हुए कंटेनरों में और ठंडी परिस्थितियों में तुरंत पहुंचाना चाहिए। यदि पैकिंग की सुविधा मौजूद है तो पैक किए गए दूध की पैकिंग के बाद बिक्री के लिए मार्केट में दुकानों पर पहुंचवा दें। मित्रों, लंबे समय तक हैंडल वाले दूध का उपयोग कर लेडल करें और हाथों को साफ करने के लिए के बाद ही इसे छुएं। अगर बीच में आपने किसी और चीज को छुआ हो तो हाथों को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। दूसरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, यानी 6 फुट से अधिक की दूरी जरूर रखें और पूरी आस्तीन के कपड़े पहने एवं घर आने के तुरंत बाद कपड़े निकाल दें और धो लें। परिवार के किसी भी सदस्य, विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों के साथ बातचीत करने से पहले स्नान जरूर कर लें। घर के बाहर ही जूते निकालें और उन्हें अलग रखें। मित्रों, बीमार महसूस होने पर दूध या दूध के प्रसंस्करण किसी भी कार्य में शामिल ना हो। यदि संभव हो तो ऑनलाइन लेन देन के लिए डिजिटल तकनीकी को अपनाएं और नगद लेन देन से बचें। दस्ताने और मास्क उचित रूप से निकालें और उन्हें सुरक्षित रूप से प्रतिदिन साफ करके रख दें। दूध वितरण का इस तरीके से शेड्यूल करें कि न्यूनतम मानव संपर्क में आए, जैसे एक क्षेत्र में 2 दिन में 1 बार दूध को पहुंचाना। मानव संपर्क के बिना दूध और दूध उत्पादों का वितरण उत्पाद को दरवाजे पर छोड़कर या कम से कम 6 फीट की अंतर को बनाए रखना चाहिए। मित्रों, सामान स्पर्श बिंदुओं जैसे दरवाजे, दरवाजे की घंटी, दरवाजे के हैंडल आदि से संपर्क से बचें और यदि छुआ हो तो हाथ को अच्छी तरीके से साफ कर लें। बिक्री काउंटर पर मास्क और हाथ के दस्ताने जरूर पहने और ग्राहकों से सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जरूर कहें। मित्रों, यदि दूध या दूध उत्पादों को वितरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला वाहन हॉट स्पॉट में चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इसे दूसरे उपयोग से पहले अच्छी तरीके से साफ किया जाना चाहिए। कोविड-19 से खुद को बचाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल के दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। मित्रों, इस कोरोना के कहर से रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें, दही और लस्सी की दुकानें, कॉफी हाउस और चाय की टपरी बंद पड़ी है। जो दूध इन जगहों पर जाता था, उनके बंद होने से पशुपालकों के पास दूध की अधिकता हो गई है और पशुपालक को समझ में नहीं आ रहा है कि इस बचे हुए दूध का क्या करें। तो मेरी सलाह पर आप ध्यान दें। अगर आप अपने दूध के उपभोक्ता को पनीर, दही, खोया यानी मावा को बनाकर उचित दाम पर देने का ऑफर देते हैं तो आपका उपभोक्ता भी खुश और आप भी खुश। फिर भी आपके पास अभी भी दूध बच रहा है तो क्रीम निकालने वाली मशीन से दूध का क्रीम निकाल लें, जो एक भैंस के 1 किलो दूध में लगभग 100 ग्राम क्रीम निकल आएगा, शुद्ध देसी घी बन जाएगा और बचे हुए दूध के अंश को खट्टी दही भी बनाकर बेच सकते हैं या पशुओं के बच्चों को आप पिला सकते हैं। मित्रों, आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई इस वीडियो से संबंधित अच्छी जानकारी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आपका अनुभव अन्य पशु पालक के काम की साबित हो सकती है और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों व रिश्तेदारों को अवश्य शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी कर लें। हम आपके पशुओं और पशुपालकों के लिए इसी तरह की अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। तो मित्रों फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, सत श्री अकाल।